हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं, जिन्होंने इस नीट पीजी में 1245 रैंक लाए हैं, और इस वीडियो में आज उनके साथ बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने इस नीट का तैयारी किए थे और पूरा स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद दोस्त, तुम्हें बहुत बहुत कंग्रेट्स तुम्हारे सक्सेस पे। थैंक यू। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका प्राइमरी सोर्स क्या था। देखिए, मेरा प्रिपरेशन का प्राइमरी सोर्स मैंने मैरो से फॉलो किया था। मैंने मैरो को फॉलो किया था और उसे रिलीजियसली फॉलो किया था, सिर्फ मैरो को ही फॉलो किया था। अच्छा, तो मतलब आपने कोई भी दूसरा ऐप का कुछ भी यूज कभी नहीं किया है? देखिए, ऐप की बात किया तो मैंने मैरो मेरा प्राइमरी सोर्स था, बट मैंने मेडिसिन के लिए मैं दीपक मारवा को फॉलो किया था, बट फॉलो सिर्फ देखा था वीडियोस, मैंने पढ़ा मैरो से ही था। अच्छा, ठीक। और जैसे कि कुछ कुछ टेस्ट, मॉक टेस्ट फ्री होते थे कुछ कुछ ऐप्स पे, तो मैं वो देता था। ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? देखिए, प्रिपरेशन की बात की जाए तो इन फुल एक्सेलरेशन प्रिपरेशन मेरी शुरू हुई थी अक्टूबर के बाद, जब हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थी। पहले तो था कि हमारा नीट पीजी वैसे यूजुअली जनवरी में होती है, बट इस बार हमें पता चला था कि मार्च में होनी है, तो हमें डेट शायद अनाउंस हुआ था कब, अक्टूबर के आसपास डेट अनाउंस हुआ था। तभी मुझे लगा कि कुछ किया जा सकता है यार, तो अभी टाइम है, कुछ किया जा सकता है। तब फिर एक्सेलरेटर पे पैर रखे और थोड़ा स्ट्रेटजी मतलब प्रिपरेशन को एक्सेलरेट किए थे, फुल फ्लेज में तब से शुरू हुई थी। अच्छा, तो मैरो का इतना पूरा वीडियो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वीडियो है, तो क्या आपने पूरा वीडियो देखा था? देखिए, मैरो में वीडियो ज्यादा है, वास्ट ज्यादा है, सही बात है, पर मैंने उसे देखा था, पूरा देखा था, सही बात, पूरी देखी थी, और मैं कुछ कुछ टॉपिक्स तो दो दो बार देख चुका था, ऐसा था। देखिए, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो वास्ट मायने नहीं रखता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए ना, मैंने देखा था वीडियो। अच्छा, और जो मैरो का क्यू बैंक है और जितना भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, तो उसको कैसे अप्रोच किए थे आप? देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे जो भी मैं रैंक लाऊ, जो भी जितना भी है, उसमें क्यू बैंक का बहुत बड़ा रोल है। मैंने मैरो के क्यू बैंक को लगभग दो बार तो जरूर किया होगा पूरा, जैसे पूरा 842 क्यू बैंक अप्रोक्स, तो आपने पूरा किया था दो बार? जी, लगभग। अच्छा, देखिए, क्यू बैंक बनाने के बहुत फायदे मुझे मिले। पहला तो कंसेप्ट को यूटिलाइज करने का मौका मिला था, लगाने कहाँ किसे कंसेप्ट कहाँ कैसे लगाया जाता, वो फायदा मिला मुझे, उसे याद भी रहता था, और दूसरी मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो गई थी, स्ट्राइक रेट बढ़ गया था क्यू बैंक बनाने से। जहाँ तक मैं जीटी देता था तो उतने से स्कोर नहीं आते थे, फिर क्यू बैंक लगाने के बाद स्कोर ग्रेटर होने लगे थे, तो क्यू बैंक बहुत नेसेसरी है। जीटी को कैसे अप्रोच किया था आप? देखिए, जीटी अप्रोच की बात की जाए तो पहले मैं जीटी नहीं देता था, अक्टूबर से पहले नहीं देता था, शायद एक मुश्किल से एक दिया होगा जुलाई के आसपास, तो लगता था कि कुछ पढ़े नहीं यार, कि जीडी देके क्या लाएंगे, कुछ तो वैसे ही डिप्रेस होना है, बेकार देना है, कुछ आएगा नहीं। बट फिर एक दिन हिम्मत करके मैं बैठा जीडी देने, तो शायद मेरा 90 क्वेश्चन सही हुए थे फर्स्ट जीडी में। फिर लगा कि चलो इसको रूटीन बनाया जाए, फिर मैं भूल गया जीडी देना, मतलब जुलाई का वक्त था तो इंटर्नशिप चल रही थी, तो मस्ती में चला गया। फिर जब अक्टूबर का टाइम आया, जब पढ़ाई शुरू किए, तो लगा कि नहीं देना चाहिए, जीटी मेरा नहीं हो पाएगा। फिर जीटी देना शुरू किए तो कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगी, इम्प्रूव होता था तो कॉन्फिडेंस आता था, अच्छा लगता था, तो उसी खुशी के लिए और मेहनत करने लगे, तो इम्प्रूवमेंट होने लगी धीरे धीरे। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब जो आपका शुरू बार में जो सही हुआ, केवल 90 सही हुआ था? 89-90 अप्रोक्स था। अच्छा, तो जैसे लास्ट तक आते आते अगर कभी जैसे अप एंड डाउन होता है, कभी ज्यादा कभी कम नंबर आता है, तो उस स्ट्रेस को कैसे आप हैंडल करते थे कि हाँ अरे इतना पढ़ लिए हैं फिर भी बहुत कम नंबर आ रहा है? देखिए, जीटी में मार्क्स आए तो खुशी होता है, मार्क्स ना आए तो स्ट्रेस होता है, इज्जत जाहिर बात है। बट उस स्ट्रेस से उभरना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके डिप्रेस होएगा तो फिर नेक्स्ट जीटी दे नहीं पाएगा, लगेगा कि साला क्यों दें, मार्क्स आ नहीं रहा है। बट आप जैसे अब जीटी में मैरो में क्या था कि जब जीटी दिए तो उसका पूरा रिव्यू हो जाता है कि क्या आपका वीक पोर्शन है, क्या स्ट्रांग पोर्शन है, तो मैं जीटी के बाद जैसे अगर मार्क्स कम हो गए तो उसे अच्छे से रिव्यू करता था, अब कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई हैं और क्या वीक पोर्शन है, वीक पोर्शन को स्ट्रांग कीजिएगा तो मार्क्स जीटी के मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, ये मेरा अप्रोच था।
और जीटी से पहले कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते थे शायद, तो मैं कुछ के दिए थे, जैसे जो मेरा क्या इंटर्नशिप में जो चलता था उसके कुछ मैं दे दिया देता था। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि जितना भी सब्जेक्ट टेस्ट था उसमें कुछ कुछ आपने दिया है और जीटी आप पूरा, जहां तक मुझे याद है तो मैं ऑफ था क्या दिया था, एक शायद फिजियो का दिया था बस शायद। अच्छा, और जीटी मतलब अक्टूबर के बाद आप देना शुरू किए, उसके बाद लगातार देते जी, फिर मैंने उसे आदत बना लिया था, मतलब हर वीक एक जीटी देना ही कंपल्सन था। अच्छा, अगर नहीं आए तो बैक ईयर का जीटी मैं लगाता था। जैसे मैरो बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिसिन बहुत पढ़ाया गया है, 250 वीडियो है, माइक्रो बहुत ज्यादा पढ़ाया गया है, तो और सब बोलते हैं कि नोट्स रिवाइजेबल नहीं है मैरो का, तो आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था, क्योंकि आपने तो बस मैरो पढ़ा है, तो आप उस नोट्स को कैसे रिवाइज किए थे? देखिए, जैसे लोग बोलते हैं कि वास्ट है, वास्ट तो है, बट एक चीज आप नहीं देखते मेडिसिन का कि जो राकेश नायर सर ने पढ़ाया है उसमें आपको माइक्रो भी पढ़ा दिया है, फिजियो भी पढ़ा दिया है, पैथो भी बता दिया, फारे भी बता दिया है, तो आप मेडिसिन के साथ ही चारों भी पढ़ ले रहे हैं ना, तो आपका जो बाद में आप माइक्रो पढ़िएगा, फार्मा पढ़िएगा, तो रिवीजन इजी हो जाएगी उसकी, वो फास्ट हो जाएगी रिवीजन। तो मैं ऐसे ही करता था, मैं पहले तो पूरा पढ़ता था, उसे बार बार पढ़ता था, तो मेरा यही था कि जैसे मैं एक बार पढ़ लिया फिर आंख बंद करके सोचता था कि क्या पढ़ा इसमें, तो दिमाग में आने लगता था, और जब नेक्स्ट टाइम जैसे एक मंथ बाद मैंने उसे फिर से पढ़ा तो बहुत फास्ट रिवीजन हो जाता था। मैं आपको बता दूं कि मैंने सर्जरी की लास्ट रिवीजन जो की थी वो 3 दिन में मैं कंप्लीट कर लिया था रिवीजन सर्जरी का। अच्छा, तो अगर आप उसे बार बार पढ़ते हैं तो रिवीजन इजी हो जाती है, उसे आप तुरंत निकाल सकते हैं पढ़कर, और अपने दिमाग में भी आप रिवाइज कर सकते हैं बिना नोट्स खोले ही। अब क्या पढ़ जाए कि इस लाइन के बाद क्या लिखा है, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक बार जब पहली बार पढ़िएगा तब टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसी को आप बार बार पढ़िएगा तो टाइम जो है कम लगने लगेगा। ठीक है, और जैसे 20th नोट होता है, कंसाइज नोट, फर्स्ट एड, डीबीटी, इन सब में से आपने क्या क्या यूज किया था? देखिए, मेरा मैरो में शायद 19 हमारे 19 सब्जेक्ट होते हैं, तो 20th नोटबुक मेरा कोई नहीं था। अच्छा। मैं जो था 19 में ही पढ़ता था और उसी को बार बार पढ़ा। मैंने कुछ के नोट्स खुद से हैंड रिटन नोट्स, जैसे जो मेन टॉपिक्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, ऑफ्थापीडिया, ऐसे जो मैंने नोट्स खुद बनाए थे, तो जब हैंड रिटन नोट्स थे तो मुझे अच्छे से मतलब तुरंत पढ़ लेता था मैं, तो उसमें ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगता था। तो आपने फर्स्ट एड कभी पढ़ा था, कभी आपने यूज किया था? देखिए, फर्स्ट एड मैंने तो यूज नहीं किया था, लोग करते हैं बट मैंने नहीं किया था। देखिए, फर्स्ट एड इमरजेंसी सिचुएशन में लोग यूज करते हैं, जैसे अगर आप पढ़े नहीं हो तब यूज करते हैं, तो ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन मैं तो बोलूंगा कि आने ही मत दीजिए ना, आप रेगुलर अपना प्राइमरी सोर्स को फॉलो कीजिए ताकि सेकेंडरी सोर्स की जरूरत ही ना पड़े। तो मैंने अपने प्राइमरी सोर्स को डेडिकेशन साथ फॉलो किया, तो मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अरे, इतना प्राइमरी में दिया है कि फर्स्ट एड पढ़ने का टाइम कहां से मिलेगा, तब जो पढ़िए उसी को एक को फॉलो कीजिए और रिलीजियसली फॉलो कीजिए, बार बार फॉलो कीजिए, मैं यही बोलना चाहूंगा। तो मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया सेकेंडरी सोर्स को। अच्छा, और जैसे लास्ट का 3 महीना होता है, क्रूशियल टाइम होता है, तो आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया? आपका कोई पर्सनल स्ट्रेटजी था, कोई टाइम टेबल था ऐसा? देखिए, अक्टूबर में हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, मैं बता चुका हूँ, तो उसके बाद मेरी मोनोटोनस लाइफ हो गई थी, एक ही जिंदगी जीनी है, वो पढ़नी थी, तो मैंने अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 7 से 2:45, फिर 3:30 से 5:30, और फिर रात में पढ़ता था, 12 बजे सो जाता था। तो हुआ होता ऐसा था कि सुबह कोई मेजर टॉपिक पढ़ता था, दोपहर में शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ लेता था, और रात में जो मेजर टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ता, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ता था, जैसे अगर मैं मेडिसिन सुबह पढ़ रहा दोपहर में मैं डर्मा पढ़ लूंगा, तो फिर रात में मैं पैथो या फार्मा पढ़ लूंगा, जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ सारे चीज़ों को, तो ये पढ़ता था। और लास्ट के 15 दिन मैंने सिर्फ MCQ बनाए थे, सिर्फ MCQ, PYQ बनाया था, GT और फिर जो क्यू बैंक होते उसके क्वेश्चन बनाया था, मतलब 15 दिन मैं इतना MCQ बनाया था कि मेरे आंख दर्द देते थे मोबाइल को स्क्रीन देखते देखते। तो अगर आप मेहनत कीजिएगा तो सक्सेस तो आपको मिलेगा, जरूरी है मिलना। तो आपका जो कॉलेज लाइफ था जी, कॉलेज में आप क्या हमेशा टॉप करते थे या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे? देखिए, कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो 2016 बैच के हम लोग हैं, पहली बार मेडिकल कॉलेज में आए, चलो यार कुछ बन गए, इतनी खुशी हुई थी, तो 1-2 साल तो ऐसे ही चला गया कि मेड डॉक्टर बन गए, डॉक्टर साहब बन गए, डॉक्टर साहब बन गए, तो पढ़ाई नहीं हो नहीं पाई थी। तो अच्छा, कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक तो इतना अच्छा नहीं हुआ है, यहाँ इनफैक्ट हम लोग फर्स्ट टर्म अटैम्प्ट में फेल हो गए थे, इतनी खुशी में थे हम लोग, मदहोशी थी। तो परफॉर्मेंस कॉलेज में उतना अच्छा नहीं रहा है, बट ठीक ठाक था,
खराब नहीं था, मेरा रैंक शायद 50 था, 58 मेरा रोल नंबर था। अच्छा, कॉलेज में देखिए कॉलेज एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम दे आर पोल्स अपार्ट, तो दोनों को मर्ज मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, नहीं जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जो टॉपर होते हैं कॉलेज में उन्हीं का रैंक अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या आपका ऐसा कुछ जी नहीं है। कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, मस्ती से पूरा मजा करो, बट हाँ जब इंटर्नशिप में आओ तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। लास्ट का 3 महीना होता है जी, तो उसमें कभी लो फील करने लगे तो उस टाइम आप क्या करते थे? देखिए प्रिपरेशन है, जर्नी है, लो फील कीजिए कभी हाई फील कीजिए तो लगा रहेगा, बट आपको लो फील करके बैठना नहीं है, आपको सोचना है कि कर क्यों रहे हम, ये नहीं होगा तो क्या कर क्या सकते हैं, ऑप्शंस क्या है मेरे पास। अगर आपके पास और कोई, देखिए पहली बात कभी ऑप्शन बी मत रखिए, ऑप्शन बी रखिएगा तो आप लूप पड़ जाइएगा कि चलो ये नहीं तो ये तो कर ही लेंगे, तो ऑप्शन बी कभी मत रखिए, ऑप्शन ए रखिए कि करना है तो बस करना है और हर हाल में करना है। बस यही मेरा मोटिवेशन था कि ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या आखिर, डॉक्टर बनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि करना है बस करना है और मैं लगा रहता था। कभी लो फील किया तो थोड़ा गाना सुन लिया, कुछ देख लिया, माँ से बात कर ली, मेरी माँ बहुत हेल्पफुल रही हैं, माँ बाप पापा, तो वही मेरे सोर्स थे। अच्छा, और लास्ट में कुछ अपने जूनियर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो? जूनियर्स के लिए वर्ड ऑफ एडवाइस, यार कर सकते हो, जब मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, बस लगे रहो, डेडिकेशन के साथ लगे रहो, पढ़ो मस्ती करो और फोड़ दोगे। चलिए तो आज इनका इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।